कैसा लग रहा है कि स्कूल बंद है? अच्छा। आपको? मुझे बहुत गंदा। बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सुबह मैं लाइव भी आ रखा था, लेकिन तब मैंने सोचा कि आपको एक व्लॉग भी दूं, तो बात रही राखियों की, तो राखियां ये है, देखो देख दी। हेलो भैया। हेलो, क्या कर रहे हो? इसको घुमा के ला रहे हो? डुग्गू। गाइस, ये डुग्गू है, ये देखो, एक पग है लेकिन इसका नाम डुग्गू है। तो गाइस, अब फिर से वही सी, कल से स्कूल है। तो चलो, मैं आपको सीधा अब रोड पे मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी आफत आ जाती है ना, तो बोलने का मन भी नहीं होता ढंग से। तो मेरा मन तो हो रहा है कि गाने सुनते सुनते जाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि अभी सनसेट हुआ नहीं है और अभी बज रहे 5:30, 5:30 नहीं, 6 बज रहे अभी। तो गाइस, तब भी देखो इतना उजाला है, मतलब इससे पहले वाले ब्लॉग में तो दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन फिर से आपको पूरा दिखा देता हूँ नीचे। उस दिन जब हमने आदि योगी वाला हमारा शूट नहीं करा था, जहाँ पे सीन निकाला था, यहाँ पे से निकाला था वो योगा वाला, तो मैं आपको ढंग से दिखा देता हूँ। यहाँ के रास्ते कुछ ऐसे होते हैं फिसलने वाले। तो गाइस देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, पहुँच चुके हैं हम उसी वाली जगह पे। यहाँ देखो, अभी तो बहुत अच्छा, मतलब एकदम सोना वाला सीन हो रहा है। उफ गाइस, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा डर भी होता है ना, डर की बात तो नहीं लेकिन रिस्क है थोड़ा नीचे गिरने का। और ये जो घास होती है इसे बोलते हैं झूला घास, सफ़ेद कलर के पत्थर होते हैं, नदी के सामने मिलते हैं, उससे आग जलाते हैं जिस पत्थर से। तो वो जो घास होती है जिसे जलाते हैं, ये वाली घास होती है, झूला घास बोलते हैं। झूला घास मतलब जो झूलती रहती है नीचे की साइड में। तो एक दिन मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा, क्योंकि नाना के पास 150 साल पुराना वो है, नाना के पास पत्थर और लाइटर होता है, लाइटर वैसा मतलब लोहे का कुछ इतना होता है, उसे पत्थर में लगाते हैं और उससे चिंगारी आती है। एक दिन मैं आपको ढंग से दिखाऊंगा, और पुराने ज़माने के सिक्के वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और थैली भी एक मतलब पुराने ज़माने वाली, अब तो कहीं नहीं मिलेगी मुझे लग रहा है ऐसी थैली। तो एक दिन मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। नाना ने अभी तक संभाल रखी है, नाना को नाना की दादा नहीं, जो नाना के पापा थे ना, तो नाना के पापा जी ने नाना के दादाजी ने दी थी, मतलब नाना के पापा जी को नाना के पापा जी की दादाजी ने दी थी, सोच लो अब की तरह पुराना होगा। और मैं आपको कैमरा भी दिखाऊंगा जो पुराने ज़माने का होता था, मतलब पुराना भी नहीं लेकिन हाँ, मतलब 1990s का होगा। ऐसी पुरानी चीज़ें को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और यहाँ बैठने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। तो आओ कभी इस साइड बैठते हैं, एक साथ बातें करेंगे खूब। सो इस साइड हम कैंपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत छक हो गई अब कैंपिंग करके, हमें अब नहीं करना चाहते हम और कैंपिंग। तो हमारी गढ़वाली बोली में से डंगार बोलते हैं पत्थरों के लिए। तो गाइस, टाइम अभी हो रहा है 6:00 PM। तो बात रही हमारी YouTube फैमिली की, तो हमारी फैमिली में 395 मेंबर जुड़ चुके हैं, तो जल्दी ही 400 भी होने वाले गाइस। तो जल्दी जल्दी हमारे फैमिली मेंबर्स बढ़ते रहेंगे, और मज़ा आएगा, और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये शुद्ध वातावरण है पूरा, मतलब कोई भी पॉल्यूशन भी नहीं है, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़। तो यहाँ और आप कैन्यूल ब्रांड से देखते होंगे कि वहाँ से पूरा मतलब थली से एक साइड से उसकी बाउंड्री पूरी पेड़ से ढकी हुई है, तो सही है, और ज़्यादा और हवा और जल्दी पार्क भी बनने वाला है, तो वहाँ झूला वगैरह वो बहुत सारी चीज़ें लगाएंगे अभी, तो मैं आपको एक दिन वो भी दिखा दूंगा। और गाइस, मेरा पता क्या ट्राईपॉड टूट गया था एक दिन, पता नहीं कैसे बैठ के नीचे गिरा और वहाँ से ट्राईपॉड टूट गया, तो मैंने उसको ग्लूगन से जोड़ा। तो मैं आपको एक सीन उसका भी दिखा देता हूँ। तो बहुत दिन हो गए बैडमिंटन नहीं खेला, उस समय से घूम ही रहे मतलब 10-15 दिन से। एंड फ्रॉम सम डेज आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम इन माई एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो गाइस, एडिटिंग सॉफ्टवेयर मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी इसका मतलब वॉइस सिंकिंग, वीडियो सिंकिंग हो रही, पूरी वॉइस मैच नहीं हो रही लिप्स से। तो आजकल इसी वाले फ़ोन से करना पड़ रहा है, जैसे मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, नहीं तो और दिन में टैबलेट में सेंड करके था, आराम से उसमें करता था। टैबलेट में मज़ा आता ना करने में, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्क्रीन आया, तो बड़े स्क्रीन आराम से एडिटिंग करो। और ये देखो भैया, ये मारने के लिए भी आता है। फिर से कर दो, फिर से कर दो। तो बच्चों, ये क्या काम आते हैं बताओ जरा इसके बारे में। ये है छोटे गाइस, तो बताओ तुम क्या करते हो इन छोटे से? खाते हैं। इनके अंदर से वो निकलता है ना, छोटा एक बीज निकलता है ना, हाँ, उसे खाते हैं। तो ये और कुछ काम भी आता है? हाँ। क्या
इसको ना चूल्हे में डाल के आग जलती है। हाँ तो बहुत अच्छा नहीं रहता मैं और दिन, नहीं तो कोयले लाओ वो लाओ ये लाओ, नहीं उससे अच्छा छोटे लाओ। ये क्यों है? ये क्या है? ये सब्जी वाला है। देखो गाइस परसों हमने लाई नहीं थी, मतलब वही वाले चूहे हैं, इसे हम जंगल से उठा के लाते हैं। तुम्हारे तो कल से खुल रहे ना स्कूल? हाँ। तो कैसा लग रहा है स्कूल खुल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम पढ़ाई तो होगी। हाँ देखो इसको ये बकरी कैसे पौधे खा रही है। तो तुम थैला नहीं लाए इसमें रखा के तुमने? इसमें नहीं थैला नहीं लाते वो घर से ना। हाँ तो कुछ आंध गढ़वाली गाना वगैरह कुछ बोल यार, कुछ तो बोला तुम, कुछ ना कुछ तो बोला यार तुम। कल लौड़ा थी तुम, नौना थी कि लौड़ा थी? तो तुम कहाँ जाते हो, मतलब कितनी दूर जाते हो इन्हें चराने के लिए? कोई कोई तो ऐसी ना, मतलब जिधर भी चला सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं। हाँ, खेतों में नहीं ले जाते फसल वगैरह खराब कर देती होगी। हाँ। तो चलो बाय बोल दो सबको, बोलते नए ब्लॉग में मिलते हैं आपको, नए ब्लॉग में मिलते हैं। और ये बोल दो कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, हमारा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, बोलो सब्सक्राइब भी कर दो। अंकल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। भैया लिए गाइस, तो ये हमारे भट्ट अंकल, तो अंकल हमारे साथ बैडमिंटन खेलते थे तभी हमने सबसे पहले देखा था अंकल को, उससे पहले जानते नहीं थे। तो अंकल का ट्रांसफर हो रहा है कल गुप्तकाशी ना अंकल? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था थलीसेन में? थलीसेन में बेटा जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ पर जो ग्राउंड था, हाँ, ग्राउंड काफी अच्छा था और मैंने यहाँ पर कोशिश की कि आप बैडमिंटन कोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारा मैंने बनाया यहाँ पर। हाँ। और मैंने पिछली बार अगर देखा होगा तुमने कि टूर्नामेंट भी कराया था यहाँ पर, जहाँ पर कोटद्वार से और तुम्हारे रुड़की से देहरादून से हल्द्वानी से टीम आई थी। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर धीरे धीरे स्पोर्ट्स को। मतलब अंकल आपको कितने साल हुए थे? मेरे को 3 साल हुआ बेटा। 3 साल हुए? और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और अगर आपका ट्रांसफर मतलब फिर से यही हो जाए तो बिल्कुल अच्छा लगेगा मुझे दोबारा यहाँ आऊँ तो। तो चलो अंकल, अंकल कल जा रहे थे, अंकल को मतलब पैकिंग वगैरह भी करनी होगी। तो बाय अंकल। बाय बाय।